in linear equation two variables are those, in fact there is no criteria as such. Hum khud apne aap ko thoda sa refine karne ke liye, ek systematic padhne ke dhang se padhne ke liye kya type 1 type 2 type 3 se inko differentiate kar rahe hain, theek hai, chalo. Lekin baat to wahi hai ki hame word problems jo puri tarah se distributed hai chapter mein, unko hame madad karna hai. Ab एक साथ देखना है कैसे होती है. चलो टाइप टू सेकंड के क्वेश्चंस लेते हैं, वैसे वाले जिनमें एक पार्ट कांस्टेंट होता है और जो दूसरा कांस्टेंट है जो पार्ट है वो वेरी करता रहता है. एक पार्ट तो है जो कांस्टेंट रहता है लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो वेरी करता रहता है. आपने नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन किया था द टैक्सी फेयर इन अ सिटी वाला टाइप का, है ना. ऐसे ही वो टैक्सी फेयर हो या वो पोस्टल रेंट हो या फिर वो किसी हाउस होल्ड का मंथली एक्सपेंडिचर हो इट, और यहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो वो भी ऐसे ही होता है. अ पार्ट इज फिक्स्ड, सम ऑफ द पार्ट इज फिक्स्ड, चाहे आप लाइट जलाएं या ना चलाएं, आप महीने दो महीने फोन यूज करें या ना करें लैंडलाइन, लेकिन आपके पास वो महीने उसका बिल एक फिक्स अमाउंट तो आई गया. उसके अलावा जो अमाउंट आती है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी कॉल्स की, वो डिपेंड करती है कि आपने कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन में इसमें खाना खाया, आपने कितनी ट्रैवलिंग करी. सिंपल सी बात है, आपको अगर अपने घर से पड़ोस में सपोज थ्री और फोर हाउसेज छोड़ के तीन चार घर छोड़ के आपको किसी घर जाना हो तो आप ओला नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता बहुत महंगा पड़ेगा, है ना. तो कुछ अमाउंट फिक्स होती है और उसके बाद में वो कुछ चार्ज करना शुरू करते हैं, ठीक है. चलो तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं. अगेन द क्वेश्चन आई विल गिव यू दीस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, आई विल गिव यू द पीडीएफ, वो उनको सॉल्व करिएगा. आप मेरे साथ समझा करो क्लास में, ठीक है. आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, आप मेरे साथ समझिए फिर जो मैं क्वेश्चन पूछूं उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. आप खुद सॉल्व करेंगे ना तो आपको मतलब यू विल फील कॉन्फिडेंट कि अरे वाह ये तो क्वेश्चन आ गया हमें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई. चलो तो आज की बात स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं. हमारे पास में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ अमाउंट होती है फिक्स और कुछ होती है वेरिंग जो चेंज होती रहती है. जैसे द टैक्सी फेयर इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड फॉर द एंड द चार्ज और टुगेदर विद द चार्ज फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर देयर आफ्टर and plus an additional charge for the subsequent kilometers thereafter. It simply means that taxi fare in a city is comprised of a fixed charge. जैसे 50 रुपीज हम कभी मेट्रोस वगैरह में जाते हैं वो ऐसे ही करता है, हमें बिठाता है और कहता है देखो जी मीटर डाउन हो गया. मीटर डाउन का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो रुपीज से स्टार्ट होगा, नहीं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 20 बक्स और 100 बक्स और 50 बक्स, डिपेंड्स ऑन दैट सिटी की वो सिटी कितना महंगा है या सस्ता है, है ना. तो 20 रुपीज से अगर उसने स्टार्ट किया तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, 20 रुपीज से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसका मीटर चालू होता है, मीटर स्टार्ट होता है और आगे उसकी रीडिंग आनी शुरू होती है. तो वापस से इसी तरह से ये भी स्टेटमेंट करिए, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद फॉर द चार्ज फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर, दैट मींस देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज. सपोज 100 रुपीज तो होंगे ही होंगे, उसके बाद कितने ये डिपेंड करता है कि आपने कितने किलोमीटर की जर्नी करी. क्लियर है स्टेटमेंट? क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. This is the taxi fare in a city comprised of a fixed charge together with a charge for the subsequent kilometers. If a person travels 10 kilometers, he pays 75 rupees. If a person travels 10 kilometers, he pays 75 rupees. But when he travels 15 kilometers, he pays 110. He paid 110 rupees. Frame a linear equation to variables and solve that, or find the fixed charge, find the subsequent the charge for the subsequent kilometers or something like that. ठीक है, बहुत बढ़िया. सबसे पहले let the fixed charge be x and the charge per kilometer be y. Try to get the problem. There is a fixed charge. Let the fixed charge be x. Okay, and what is y? It is the charge
पर किलोमीटर, देर आफ्टर जितना भी उसने चला, तो एक टिप चार्ज तो उसका लगना ही है टैक्सी फेयर में, और डिपेंड करता है कि उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो एक टिप चार्ज हो गया और चार किलोमीटर का जो है वो वाई मान लेते हैं, चार्ज पर किलोमीटर, एक किलोमीटर का वाई मान लेते हैं। नाउ यू से फॉर द 10 किलोमीटर द चार्ज इज 75 रुपीज, फॉर द 10 किलोमीटर द चार्ज इज 75 रुपीज। सो द इक्वेशन शुड बी x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। चेक करो कि बात समझ में आनी चाहिए थी। x इज द फिक्स चार्ज, वो तो लगना ही लगना है, साथ में किसका लगेगा चार्ज, फॉर द 10 किलोमीटर ही हैज ट्रैवल्ड। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन, एक बार क्वेश्चन फिर समझाऊं। The taxi charges in a city comprise of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a journey of 10 kilometers, the charge is paid Rs. 75, and for the journey of 15 kilometers, the charge is paid Rs. 110. What is the fixed charge and the charge per kilometer? So we are saying x plus 10y is equal to 75 is the first equation, and the second equation should be x plus 15y. क्योंकि जब उसने 110 रुपीज दिए होंगे तो भी उसने x यानी फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, साथ ही में उसने क्या दिया होगा, उसने साथ में दिया होगा उस 15 किलोमीटर का चार्ज जो उसने ट्रेवल किया, एंड इट इज 110 रुपीज। लीनियर इक्वेशन एंड सुपरवियर्स का बहुत ही प्यारा सा सिस्टम, एक नन्ही मुन्नी सी इक्वेशन का सिस्टम है ना। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, आराम से निकाल सकते हैं, माइनस कर दें इस सिस्टम को, ये गया x, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 35, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7 रुपीज। द फिक्स्ड चार्ज इन द किलो, सॉरी द चार्ज पर किलोमीटर इज 7 रुपीज। सिमिलरली x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 था, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन, x प्लस 70 इज इक्वल टू 75, so what is x is equal to, it is 5 rupees. So 5 rupees is the fixed charge and the charge per kilometer is 7 rupees. Got the point? किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? एक पार्ट है जो फिक्स है, दूसरा पार्ट है जो वेरी करेगा कि आपने कितना उसको कंजम्पशन किया है। सिंपल है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और अभी तो बहुत मस्त वाला आने वाला है, सबके घर में जोरदार आने वाला बिल्डिंग बिल है ना। कैसे बनता है बिल, एक फिक्स अमाउंट होती है और बाकी अमाउंट होती है वो जो हमें मिलती है कि हमने कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी वी हैव कंज्यूम्ड, राइट। तो एक फिक्स अमाउंट तो आनी आनी है, डिपेंड करता है बाकी कितने यूनिट हमने उस एनर्जी को कंज्यूम किया उस महीने में, और हमारा बिल बनता है, ऐसे बनता है। तो यही क्वेश्चन भी ऐसे था, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज x एंड द चार्ज पर किलोमीटर, लेट इट बी y. So x plus 10y is equal to 75 because for 10 kilometers he has paid 75. Some of the students get confused that why it is not 10x. It is not 10x. आप देखिए ना, सिंपल चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी स्कूल की मंथली फीस 5000 रुपीज है, किसी स्कूल की मंथली जो फीस है वो 5000 रुपीज है। 10th of January, वो 5000 ही जमा कराएगा, एक तारीख को कराएं या दो तारीख को कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th of that month, it is 5000 only. Thereafter, it puts some penalty, कि ये लेट फीस है, उसका 50 रुपीज पर डे है या ऐसा कुछ। तो अगर वो 12th तारीख को जाएगा तो वो दो दिनों के ही तो देगा, पेनल्टी तो दो दिन की देगा ना, वो 55000 को थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ये तो नो। तो ये तो हो गया फिक्स कि 5000 तो उसकी लगनी लगनी है फिक्स, ये क्या हो गया दो दिन की पेनल्टी, क्योंकि वो 12 तारीख को गया था जबकि 10 तारीख तक उसको जमा करा देनी चाहिए थी फीस, ऐसी होता है। इसी तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं कि मतलब कह रहे हैं कि ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें वन ऑफ द पार्ट विल रिमेन फिक्स, द अदर पार्ट विल वेरी अलॉन्ग विद द क्वांटिटी, द सेकंड थिंग विल मीन वेरी, और इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन में डिटेल नहीं कर रहा हूं आपको, क्योंकि इट विल बी टेकिंग अलॉन्ग, इट विल वेस्ट आवर टाइम, सो आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चन, सॉल्व इट आफ्टरवर्ड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद मी, अलॉन्ग विद मी, एंड डू वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, डू इट इन योर रफ कॉपी, ओके। चलो सेकेंड क्वेश्चन एक और इस तरह का लेते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्जेस इज फिक्स,
a part of monthly hostel charges is fixed. And the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. The remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. Got good. Okay, fine. एक होस्टल है उसका एक फिक्स चार्ज है मे बी रूम रेंट मान लेते हैं चलो सो द रूम रेंट इज फिक्स इट इज एक्स लेट इट बी एक्स एंड द रिमेनिंग एंड द अदर पार्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस सो हम पर डे का चार्ज ऑफ मेस को मान लेते हैं पर डे को वाइज जैसे मान लीजिए रूम का रेंट है आप होस्टल में रहते हैं आप 20 दिन रहे या आप 25 दिन आप पूरा रेंट का किराया देंगे किराया तो उतना ही लगेगा रूम का लेकिन कितना आपका मेस का कैसे बिल बनेगा जितने दिन आप मेस में खाना खाते हैं मान लीजिए उस महीने में आप 15 दिन होस्टल में रहे उसके बाद आप घर आ गए तो 15 दिन के होस्टल के मेस के चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि मेस के चार्जेस तब लगते हैं जब आप वहां पे खाना खाते ठीक है ना स्टेटमेंट इज क्लियर वापस से देखें क्या स्टेटमेंट थी हमारी स्टेटमेंट थी कि अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्जेस इज फिक्स अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्जेस इज फिक्स दैट इज द रूम रेंट ओके एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस ठीक है बात समझ में आती है बिल्कुल सही है ना चलो उसके बाद When a student takes food for 20 days, he pays 1000 rupees. When a student takes food in the mess for 20 days, he pays rupees 1000. ठीक है? बात समझ में आती है? अगर किसी बच्चे ने उस होस्टल में रहा और 10 दिन खाना खाया अगर तो उसने 1000 रुपए दिए ठीक है बात समझ में आ गई As hostel charges in the same hostel, if another student who has taken food for the for in the mess for 26 days is 1180. Another student who stays in the same hostel but has taken food for 26 days, he pays rupees 1180 rupees. Okay, done. ये बात भी समझ में आती है. He says how much is the fixed charge and what is the cost of food per day. What is the fixed charge of the hostel and what is the charge per day? How much charge he is paying per day? Let's solve this question again. Chalo, main solve karta hu. Fir next question se aapse puchunga. The very first thing is that framing of equation is important. Solving is not an important job now. Bahut simple si baat hai. आप खुद देखें अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करनी आ गई तो सॉल्व करना तो बहुत छोटी सी बात है वो तो बच्चों की बात है ना अब इतने सारी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं 20 दिन रहा सर 20 दिन खाना खाया उसने मेस में और 1000 रुपए दिए एक्स तो देगा ही देगा क्योंकि उस होस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज के साथ में एडिशनल है कि वो कितने दिन खाना खाता है तो एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज इट क्लियर वाई इट इज एक्स ऑनली क्योंकि एक्स तो है ही वो तो फिक्स चार्ज है ही लगना ही है बाकी डिपेंड करता है एडिशनल क्या है द नंबर ऑफ डेज पर अ पर्सन हैज टेकन फूड इन द मेस 20 डेज का फूड का चार्ज लगेगा उसका 1000 रुपीस इन द सिमिलर मैनर इन द सेम होस्टल अनदर स्टूडेंट हु टेक फूड फॉर 26 डेज हैज टू पे 1180 दैट मींस 1180 रुपीस ही इज पेइंग ओके द सेकंड इक्वेशन इज आल्सो क्लियर इट इज व्हाट इज द फिक्स्ड रेंट एंड व्हाट इज द अमाउंट पर डे एडिशनल चार्ज जो था ना मेस का पर डे फूड जो भी था वो कितना है इट्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर वेरिएबल्स अ वेरी सिंपल सिस्टम इसमें अगर हम माइनस करें इसे तो एक्स तो क्या माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 180 एक्स और सॉरी वाई इज इक्वल टू 30 रुपीज किसी बहुत पुराने जमाने की बातें कर रहे होंगे जब दिन का 30 रुपया लगता था खाने पे ठीक है चलो कोई बात नहीं देन The first equation was x plus 20y and it was equal to 1000 rupees. Now, x which is to be calculated, y is 30. 30 into 20 is 600 is equal to 1000 rupees. So, what is x? Rupees
400। चलिए तो फिक्स चार्ज है, रूम का किराया मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, उस होस्टल का वो है 400 रुपीज, और एडिशनली या जो भी कह लें जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो हमारे पास में जो है वो है कितना आया था 30 रुपीज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दो या तीन बार आई विल रिवाइज इट ट्वाइस और थ्राइस। यू फ्रेम द क्वेश्चन, यू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड लेट मी नो कि आपको आई या नहीं आई बात। ठीक है, तो पुट योर हैंड्स डाउन, आई एम नॉट आस्किंग यू योर प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस नाउ, बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू नो द आंसर स्टार्ट रेजिंग योर हैंड। ओके, चलो स्टार्ट करूं। हां जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का हमारे पास में, अगर एक और प्रॉब्लम हो ऐसी ही तो हम कैसे उसे सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, एक पार्ट है जो है फिक्स, एक पार्ट है जो करता है वेरी, और दोनों से जो हम इक्वेशन बनाते हैं उससे हम फिक्स चार्ज भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं कि कितना उसने मतलब जो वेरी करा है वो कितना है। ठीक है, चलो टैक्सी फेयर कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, टैक्सी फेयर कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ब्रैकेट में किलोमीटर कवर्ड, दैट मीन डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओके, अ पर्सन ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर पेस 115 रुपीज, a person traveling 15 kilometers pays rupees 115, whereas a person who travels 27 kilometers, whereas a person who travels 27 kilometers pays rupees 199, pays rupees 199. How much a person has to pay if he travels 50 kilometers in the same city? How much a person has to pay if he travels 50 kilometers in the same city? Chale, koshish kariye jara. The fixed charge, let it be X, okay? And the charge for per kilometer is equals to Y. Charge per kilometer, let it be Y. Theek hai beta? So then next we will to do it. Pooja kya karegi? X rupees degi jo fixed charge hai. 15 kilometers usne travel kiya. Isne 15 into Y karegi kyunki 15. So Y kilometers ka charge hai. Yani Y charge per kilometer hai. Wo Y hai. Aur usse 115 rupees ka bill chukana hai. Theek hai, bill ko sahi hai. Yes, who is there? Good morning. X plus 27Y is equals to 199. Okay, who is this? What's your name, brother? Dhruv. Okay, right. So Dhruv usi shahar mein rehta hai, lekin jab wo 27 kilometers chalta hai, to wo X bhi deta hai, kyunki fixed charge hai 27 kilometers ka, wo 199 rupees pay karta hai. Yes. Anyone else? Dhruv, mute yourself, brother. Okay. Chalo. Yes, next sir, कोई भी जो जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता क्लास में। यस ये सूझ दिया बेटा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे प्लीज। गिरीश, सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, so minus 12 is equals to minus 84. Minus 12 is equals to minus? One second, sir. Minus 84. Minus 12 y nahi hona chahiye? Minus 12 y. Is equals to minus? 12 y. 84 minus 84. Okay. So what is y is equals to? Y is equals to 7. 7. 12, 7 are 84. Okay. तो 7, y 7 है। ठीक है गिरीश, म्यूट करो अपने आपको फटाफट। यस, एनीवन? दिव्यांश, चलो एनीवन बेटा,
यस देवांशी गहलोत सर, अब हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके बताओ मुझे फटाफट। x plus 15 into 7 x plus 105 equals to 115 ठीक है, then x equals to 10 and y was rupees 7 ठीक है 7 okay question complete yes question complete हो गया yes sir ओके यही तो मार खा गया हिंदुस्तान। चलो क्या भूल गए, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था हाउ मच अ पर्सन हैज टू पे इफ ही ट्रैवल्स फॉर 50 किलोमीटर ठीक है। तो एक्स और वाई के बाद एक इक्वेशन और अपनी रह गई है और वो आंसर होना चाहिए। एक्स और वाई तो ठीक है ये तो निकालने ही पड़ेंगे हमें साथ साथ में चाहिए हाउ मच अ पर्सन हैज टू पे फॉर 50 किलोमीटर। तो एक्स देगा यानी कि 10 रुपीज देगा और 50 किलोमीटर के 7 रुपीज के हिसाब से वो 350 रुपीज देगा। दैट मीन 360 हमारा रुपीज 360 शुड बी आवर फाइनल आंसर। गॉट माय पॉइंट है ना। तो एक्स और वाई से ही बात खत्म नहीं करनी है। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, मैंने बहुत कम से ही बात कर पाया हूँ इस बार, लेकिन क्या करूँ कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास में, तो मैं चाहता हूँ कि आई शुड आस्क देम आल्सो नो। चलो बात करें, एक और क्वेश्चन लो, चलो ध्यान से सुनिएगा ठीक है। A man starts his job with a certain monthly salary. A man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. ठीक है, एक बंदा उसने अपनी सैलरी अपनी जॉब स्टार्ट करी, आज फिक्स सैलरी मिली और फिर हमने क्या और ही अर्न्स अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर और हर साल उसको एक फिक्स इंक्रीमेंट मिल जाता था ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए घर में जो मेड रखी उसको बोला कि ठीक है इस साल तेरे को 1000 रुपीज देंगे, हर साल 100 रुपया आपके बढ़ा देंगे है ना। तो दो साल बाद तीन साल बाद हम क्या करे जा रहे हैं, हर साल उसका 100 रुपया बढ़ाते जा रहे हैं राइट। ऐसे चलो अ मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर ठीक है। इफ हिज सैलरी वॉज 15,000 आफ्टर 4 years After 4 years of his service, after 4 years, completing of 4 years, if his salary was 15,000 and 18,000 after 10 years and 18,000 rupees after 10 years of his service, find the fixed क्या कहेंगे यस फिक्स सैलरी एट विच ही स्टार्टेड हिज जॉब। यस बहुत कम हाथ खड़े हुए, एक बार फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन, चलो वापस से करता हूं, एक बार क्वेश्चन फिर समझाता हूं आपको। अ मैन स्टार्ट हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इफ हिज सैलरी वॉज 15,000 रुपीज आफ्टर 4 years सर्विस एंड 18,000 after 10 years of his service, what was his salary at the beginning and what is his annual increment? Anybody say? Hello? Hello, sir. Good morning, Bito. Good morning, sir. Let the fixed salary be X. Okay, let X be the fixed salary. Okay. And increase in the salary be Y. Okay, Y is the increment every year he is getting. So increment let the increment be Y. Okay, beta. Therefore X plus 4Y. X plus 4Y because after 4 years, okay. एक साल बाद x plus 5 हो जाएगी, दो साल बाद x plus 2y हो जाएगी, तीन साल बाद x plus 3y हो जाएगी, तो x plus 4y is equals to 1500 15000 and 15,000.
x plus 10y right equals to 18,000 is equals to 18,000 ठीक है बिल्कुल देने वाला करेक्ट और इस सिस्टम का आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं ना चलो ठीक है बेटा somebody else है ना किसी को भी करिए सर हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा सर अब माइनस होएगी माइनस कर दिया सिस्टम को ठीक है कर दिया यस सर सर माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स वाई जीरोस टू माइनस 3000 इज इक्वल टू माइनस 3000 वाई जीरोस टू 500 ओह पुराने जमाने की बातें होंगी ना पता लक्ष्य सदारंगा नहीं वरना 500 रुपए का इंक्रीमेंट साल में केवल 500 रुपए का इंक्रीमेंट बिचारा सर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे पुट कर देते हैं x plus 4 into 500 equals to 15,000 ऐसा कुछ सर x plus 200 नहीं 2000 2000 is equals to 1500 ठीक है so the fixed salary at which he started his job is 13,000 but the salary the annual increment is 500 rupees अब क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इसने इतना ही पूछा था व्हाट इज द फिक्स सैलरी एट व्हिच ही हैज स्टार्टेड एंड द इंक्रीमेंट ही इज गेटिंग बस अगर क्वेश्चन ये पूछे था व्हाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर 15 इयर्स ऑफ हिज सर्विस और समथिंग लाइक दैट तो हमें x + 15 y तक की वैल्यू निकालनी थी है ना ठीक है चलो इस केस में थोड़ा सा क्विज लाते हैं म्यूट करो बेटा अपने आप को ठीक है चलो थोड़ा सा क्विज कहानी में क्विज लाते हैं और कोशिश करते हैं उसको भी समझने की सॉल्व करने की ठीक है अ लेंडिंग लाइब्रेरी लेंडिंग मीन्स जो लेंड पे देती है जो किराए पे बुक्स देती है ऐसी अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर डेज देयर आफ्टर इट सिंपली मीन्स दैट फॉर द फर्स्ट 3 डेज द बुक इज रेंटेड एट अ फिक्स्ड अमाउंट आप बुक लेके आए आपने एक दिन में वापस पढ़ के दे दी तो भी उतने लगेंगे दो दिन में दे दी तो भी उतने ही लगेंगे और तीन दिन में दे दी तो भी उतने ही लगेंगे ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको बताया था कि अगर किसी ने को अगर मान लीजिए 5000 रुपीज 10th जनवरी तक डिपॉजिट करने हैं तो 10th जनवरी तक करें तो इसका मतलब फर्स्ट जनवरी या सेकंड या थर्ड को भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10th तक तो 5000 है और 10th जनवरी के बाद में जो है वो पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी है ना चलो तो फॉर द फर्स्ट 3 डेज इट इज फिक्स If somebody has kept a book for 7 days, somebody has kept a book for 7 days and has paid rupees 27, whereas another reader who has kept a book for 5 days and has paid rupees 21, and has paid rupees 21, what is the fixed charge and the charge for extra day? Chaliye. कोशिश करें जरा समझने की क्वेश्चन में ट्विस्ट आया क्या अनुज अनुज गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा सर फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनेगी 3x + 4y = 2000 पहले x नाम प्रॉम्प्ट करो पहले अच्छा x x इज द वो फिक्स्ड प्राइस फॉर वन डे मतलब फॉर फर्स्ट 3 डेज वाला फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days ठीक है ये x मान लिया आपने ठीक है एंड व्हाट इज y व्हाट इज y बेटा सर y इक्वल्स टू द पर डे चार्ज फॉर अ बुक हां आफ्टर 3 डेज जो भी है पेनल्टी मान लीजिए है ना ठीक है यस ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन x + 4y x plus 4y 4y are you sure ye 4y hona chahiye yes sir kyun bhai sir pehle ke 3 din mein to kuch book to wo 7 days lagti hai sir pehle ke 3 din to fix charge mein chalega chalo main वैसे aapse isse question kar raha hu aap samajh rahe hain aap bilkul sahi hain main unko samjhane ki koshish kar raha hu jinko baat shayad samajh mein nahi aayi ho for the first 3 days the amount is fixed and thereafter it charges some amount additional amount For the first 3 days, if the charges are fixed and that is x,
आप देख एक दिन में दे, दो दिन में या दो तीन दिन में आपको एक्स देने देने पे है, लेकिन 7 डेज आप रख के देते हैं तो आप 4 डेज की पेनल्टी से भरेंगे, तो एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27। सिमिलरली फॉर 5 डेज, ये समझ एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 21। बिल्कुल, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 21। एक सिंपल कंसेप्ट, वापस से अगर किसी को समझ नहीं आया तो समझिएगा, ये 7 डेज का 4 डेज ही हो गया, इसलिए कि पेनल्टी जो लग रही है ना फॉर एडिशनल डेज देयर आफ्टर आफ्टर 3 डेज। आप इस बात को समझिएगा, आपके पास एक प्लान है मान लीजिए आपका मोबाइल का, उस डेटा प्लान में आपको 2 GB तक आप एक दिन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपने किसी दिन मान लीजिए 3 GB डाउनलोड किया, तो हाउ मच यू आर गोइंग टू पे टू द कंपनी, यू आर गोइंग टू पे फॉर 1 GB एक्स्ट्रा व्हिच यू हैव डाउनलोडेड दैट डे। यू सी नो, so for 7 days she is going to pay an additional charge for the 4 days. Similarly for 5 days she is going to pay for only 2 days something which will be extra or penalty, or fir extra y ki value nikal lenge, aur ye baat hame samajh mein aani chahiye. Isi tarah se isko aap aaram se solve kar sakte hain. I am leaving this question here, lekin ek bahut acha story sunata hu, theek hai? The taxi fare in a city comprises of fixed charge for the first 10 kilometers. The taxi fare in a city comprises of a fixed charge for the first 10 kilometers. Dhyan rakhiyega, first 10 kilometers it's comprised of a fixed charge. Yani ki aap 10 kilometer tak chalte rahe to meter chalega hi nahi. Iska matlab zero nahi hai. Jo meter down kiya wo pehle se 100 ya 200 jo dikha raha hai wo. Aap is cheez ko bahut baar experience karega. Aap metro wagera mein jaate hain, hum jab taxi fare taxi karte hain, hire karte hain, to waise karte hain, meter down ho gaya, dekho sahab. To wo 20 rupees पहले तो मिलते नहीं है, 20 रुपए काफी देर तक 20 रुपए रहता है, उसके बाद वो मीटर जो है वो चालू शुरू होता है ना। फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर इट इज फिक्स। इफ अ पर्सन हैज ट्रेवल 15 किलोमीटर एंड हैज पेड रुपीज 200, वेयर एज अनदर पर्सन हैज ट्रेवल 17 किलोमीटर एंड हैज पेड रुपीज 220, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फटाफट एक जना फटाफट अपने आपको मैं अनम्यूट करता हूँ किसी को और मुझे समझाए कि यहाँ पे क्या इक्वेशन बननी चाहिए। यस सर, करण, रमेश, गिरीश, हेलो, प्लीज मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी बेटा जल्दी से बोले। हेलो हेलो हेलो, सुन रहा बेटा बोलो। हाँ सो सर, वी नो दैट फॉर शार्डिंग 10 किलोमीटर इट इज फिक्स्ड चार्ज, सो रिमेनिंग आर 15 किलोमीटर एंड 17 किलोमीटर, सो इक्वेशन फॉर्म विल बी x प्लस 5y इक्वल्स टू 200 and x plus 7y equals to 220. x plus 7y equals to 220. Beta, I am your friend. Yes, I am not getting the thing. Why 5 kilometers cable 5 kilometers se kyun diya? Hum to 15 kilometers chale the na. Sir, because jo 10 kilometers hai wo to already fixed charge hai na, apan ko wo nikalna hai. Isliye for the first 10 kilometers we have given him, we have already paid him x rupees and it was fixed. So, हमारी बात हुई थी कि 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं चार्ज करोगे, जो फिक्स चार्ज है मतलब वो लोगे, लेकिन बाद में जब अगर 10 किलोमीटर से मैं ज्यादा घूम चुका हूँ तो आप मेरे से चार्ज करना शुरू करना। तो हमने 15 किलोमीटर चार्ज किया, ट्रेवल किया था 5 किलोमीटर से, 17 किलोमीटर से हमने 7 क्यों किया, ये समझ में आना चाहता। फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर इट इज फिक्स, फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर इट इज फिक्स एंड देयर आर पेड चार्जेस सम अमाउंट, सो फॉर 15 किलोमीटर वी हैव चार्ज, ही विल बी चार्जिंग फॉर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा, this one is 7 kilometers extra, otherwise x में ही हमारा काम हो जाता है। ऐसे होता है ना, हम किसी भी बाहर जाते हैं अगर इनोवा वगैरह में कोई गाड़ी करते हैं बड़ी, तो वो ये कहता है कि मैं 300 किलोमीटर पर डे के हिसाब से तो पेमेंट लूंगा ही लूंगा आपसे। ऐसा नहीं है कि आप किसी होटल में जाके हिल स्टेशन पे रह जाए, 5 दिन उसी होटल में रहे और मेरे को पैसे ना दे कि देखो मैंने तो तुम्हारी गाड़ी यूज नहीं की, है ना। तो गाड़ी वाले क्या करते हैं, 300 किलोमीटर के लिए मान लीजिए बीकानेर का सिस्टम बता रहा हूँ, 300 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सिर्फ लेना ही लेना है, 300 किलोमीटर पर डे के हिसाब से मान लीजिए 9 रुपीज का उसने कुछ अमाउंट माना हुआ है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। हम अगर 350 किलोमीटर चलेंगे तो 300 का तो हमें देना ही देना है और 50 किलोमीटर का हमें एक्स्ट्रा देना है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल में, सेलफोन बिल में भी कभी कभी ऐसी फैसिलिटीज होती है, मोबाइल में भी होती ही है, है ना। So running short of time, I will give you both type of questions for your practice, type 1 and type 2. और मैं उम्मीद करता हूँ एक type 3 भी अगर आ जाए आपके पास में तो आप शायद खुद कर सकते हैं। So I will send you some questions for your practice. Try to do them yourself and please practice regularly. Mathematics is a regular subject.
do practice regularly. Okay, take care.